ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसके ऊपर बेस है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 5.3 से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी लेसन आपको 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में 6 to 8 marks के लिए आता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे एग्जाम्स लेट होने वाले हैं या स्कूल लेट चालू होने वाले, तो गवर्नमेंट में भी चेंज कर सकते हैं, बट वो हम लोग बाद में देखा जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन 5.3 में हम लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, वन डाई इज रोल्ड। क्वेश्चन का हेडिंग अगर टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो, टेक्स्ट बुक आपको पता चल जाएगा। राइट अ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस लिखना है, और इवेंट के जो भी है नंबर एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी को कंटिन्यूएशन हम लोग लिखना है। एक्सपेरिमेंट क्या दिया हम लोग को, व्हाट इज आवर एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज आवर इवेंट, वन डाई इज रोल्ड। सो व्हाट आर द सैंपल स्पेस, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखा था वहां से लिखना है। एक डाई रोल करते तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दैट्स इट। तो एन ऑफ एस हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो ओनली 6 नंबर्स आर देयर। सो ये सैंपल स्पेस हो गया। फर्स्ट इवेंट हम पे जाते हैं हम लोग, इवेंट ए। अभी इवेंट का नाम ये लोग ने ऑलरेडी दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आपको वो लाइन ऐड करना पड़ेगा, लेट ए बी एन इवेंट, लेट बी बी एन इवेंट, लेट सी, बट इवेंट का नाम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इवन नंबर, तो मैं इवेंट ए का अभी सेट क्रिएट करूंगा, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। पर कहां से, तो इवन नंबर मुझे सैंपल स्पेस में से उठा के इधर लिखा है। इवन नंबर ऐसे तो बहुत है, इसके पहले हम लोगों ने लिस्ट बनाया था इंट्रोडक्शन में, अगर आप देखोगे तो लिस्ट मैंने बनाया था, इवन नंबर का एंड नहीं है, बट मुझे जो सैंपल स्पेस में से इवन नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। सो इवन क्या है, वन इवन नंबर है, नहीं, इवन नंबर मतलब क्या, यस, टू के टेबल वाले नंबर, 2, 4 and 6, दैट्स इट, उसके अलावा कोई नहीं है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ सेट ए, एन ऑफ ए, कितने नंबर है सेट ए में, ओनली 3। नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ सेट बी, क्या पूछा है तुमने, ऑड नंबर, तो 1, 3 and 5, दिस इज कॉल्ड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इवेंट सी, प्राइम नंबर, सो व्हाट इज प्राइम नंबर इन दिस, 1 प्राइम नंबर है, नहीं, 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर एंड 5 इज द प्राइम नंबर। सो एन ऑफ सी कितना हो गया, 3 अगेन, सो ऑल द 3 इसमें 3, तो जरूरी है ये सेम आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस है कि सब सेम आए, पर सबके नंबर्स क्या है अलग अलग है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये 2 से 4 mark के लिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, कंडीशन आते हैं, पहला क्वेश्चन से बहुत इजी है, इसके लिए कंटिन्यूएशन है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो 2 dice are rolled, 2 dice के ऊपर है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 dice are rolled, तो सैंपल स्पेस जैसे मैंने बताया था पहले ही लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सैंपल स्पेस में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 6 तक आएगा। टोटल एन ऑफ एस कितने आए, 36 आए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हो। इवेंट ए, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस। नाउ ये जो भी नंबर मैंने ब्रैकेट में लिखे है वो अपर फेस में लिखे, अपर फेस मतलब डाई के ऊपर आए हुए नंबर ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट, जो ब्रैकेट में जो 2 नंबर है उनका सम करना है, और वो होना क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। नाउ व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए, 6 1 6 6 2 12, और 6 के टेबल में अगर हम लोग मैं लास्ट नंबर देखूं तो 6 + 6 = 12, तो 6 3 18 तक जाने की जरूरत नहीं। व्हाट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, 1 + 1 = 2, 6 के टेबल में आता है, नहीं, 1 + 2 = 3, 4, 5, 6, 1 + 5 = 6, तो ये 6 के टेबल में आता है, तो यहां पे जाएगा। मतलब ऐसे 2 नंबर, ऐसा ब्रैकेट उठाना है जिनके 2 नंबर को प्लस करके मुझे क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 6 मिलेगा। तो 1 + 5 = 6, 2 + 4 = 6, देन 3 + 3 = 6, अगर ये 3 वाला लाइन लास्ट में देखो क्या है, 3 + 6 = 9, तो नहीं आएगा। 4 + 2 = 6, 4, 2 = 6, इधर 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा। 5, 1, फिर 6, 1, 7, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट में एक ही बचा, 6, 6। सो एन ऑफ ए कितना आया यहाँ पे, टोटल 6। ये समझ में आया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस मतलब ब्रैकेट में जो नंबर है उनका प्लस करना है, सम मतलब प्लस। सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसका चेकिंग कर लेने का, 1 + 6 = 7, 7 के नीचे वाले सब नंबर रहेंगे, 8, 9, 10 इधर से चालू हुआ, मतलब ये 4, 6 के पहले के सब नंबर अपने लिस्ट में से रिजेक्ट हो गए। तो पहला नंबर आया 4, 6, नाउ इधर 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, कम से कम 10 बोला उन्होंने,
मिनिमम 10, 5, 5। अभी सवाल ये उठता है, मिनिमम 10 बोला तो 10 के ऊपर चलेगा क्या? यस, मिनिमम 10 बोला है तो 10 के ऊपर वाले नंबर चलेंगे, मतलब 5.5 के बाद 5.6 भी वहां पे जरूर आएगा। देन 6.4 आएगा सबसे पहला नंबर, 10 वहां पे आ रहा है, 6.5 एंड 6.6। ऐसे टोटल अगर मैं एन ऑफ बी देखू तो एन ऑफ बी जा रहा है अगेन 6। नाउ सेम डिजिट्स ऑन द फर्स्ट पेज, सेम मतलब क्या, दोनों के दोनों नंबर सेम, अभी उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 और 6, क्योंकि 6 ही तो नंबर होते हैं, तो टोटल यहाँ पे एन ऑफ सी भी 6 ही आया। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कॉइंस टॉस, 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस। वैसे उसके ऊपर 3 कॉइंस बड़ा क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस कैसे बनाने का मैंने बताया, फिर एक बार बोलता हूँ, HHH, फिर थर्ड वाला एच को रिप्लेस किया, मिडल वाला एच को रिप्लेस किया, फिर ये चार बनने के बाद नीचे बनाते वक्त उल्टा, एच की जगह पे टी, टी की जगह पे एच, ऐसे टोटल 8। इवेंट एक है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। नाउ व्हाट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम। नाउ एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड्स, तो 2 तो हेड्स चाहिए, एक हेड चलेगा जरा भी नहीं, क्योंकि मिनिमम बोला है तो उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर चलेगा, यस चलेगा। अभी तुम लोग पूछोगे सर कैसे, एटलीस्ट 2 बोला तो 2 का ही चला। अभी मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर पासिंग परसेंटेज बोलता है 35, यू नीड टू गेट 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू पास इन द एग्जाम, एटलीस्ट 35, एटलीस्ट 35 मतलब क्या, 40 मिलेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं ना, तो एटलीस्ट मतलब क्या, मिनिमम 35, उसके ऊपर 100 तक कितना भी मिल सकता है, तो एटलीस्ट 2 बोला, तो अभी हम लोग को क्या करना है, जहां जहां पे 2 हेड्स है, 3 रहेगा तो भी चलेगा, तो 2 हेड्स है वो साफ यहाँ पे लिखेगा, तो एच 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 ये आएगा, इधर भी 2 हेड्स है छाप दो, इधर 2 हेड्स है यस इट इज देयर, इधर भी है वाह, इसके नीचे नहीं, किधर भी नहीं मिलेगा, तो हो गया एन ऑफ ए कितना हो गया, फिर 4 हो गया। ओके ना, एटलीस्ट आ चुका है तो मैं उसका वही भी बताता हूं, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मिनिमम है तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम। नाउ इवेंट बी, टू गेट नो हेड्स, हेड ही नीचे, ऐसा कौन बैठा इधर जिसको हेड नहीं है, नहीं ना, 10 तक पहुंचे मतलब हेड तो रहेगा, इधर इधर हेड, ये मतलब हेड, 10 वाला हेड, नो हेड, हेड है, हेड है, यस यस, इट इज ओनली वन, एक ही ऐसा इवेंट है जहां पे एच है ही नहीं, बाकी सब जगह पे एच प्रेजेंट है, तो एन ऑफ बी क्या हो गया, 3 लिखेंगे क्या, नहीं, एक, ओनली वन, दिस इज ओनली वन इवेंट। लास्ट, टू गेट अ हेड ऑन द सेकंड वन, व्हाट इज सेकंड, सेकंड मतलब अपने लिस्ट में सेंटर वाला सेकंड, यहाँ पे एच होगा, सेकंड वाले पार्ट पे एच रहेगा तो उधर लिखने का, यस फर्स्ट वन इज देयर, एच 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 इज देयर, सेकंड वन इज ऑल्सो देयर, इधर एच नहीं है, इधर एच है, टी एच एच इज देयर, यस टी एच टी इज देयर, सो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है डियर, क्या क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5, दिस नंबर्स यू हैव टू यूज, बट कंडीशन है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब एक डिजिट अगर एक बार यूज किया तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू टेल मी देयर, 01 अगर मैं लिखता हूं, 01 क्या ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं, दिस इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, तो बट ऑब्वियस पहले डिजिट पे 0 नहीं हो सकता, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली, 10, देन 1 1 11 नहीं चल सकता, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, बस यही डिजिट यूज करने, फिर 2 के साथ वही गेम खेलेंगे, 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 25, देन 3 के साथ 30 31 32 34 35 40 41 42 43 45 एंड लास्ट 50 51 52 53 54, दैट्स इट। टोटल कितने नंबर बने बेटा, 10 20 25, 10 ही बनाए थे मैंने, एक नंबर से 5 बन रहे, 1 2 3 4 5 5 10 25, तो सैंपल स्पेस कितने का बना, 25 का। सैंपल स्पेस बनाना ही ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी था, बाकी तो द नंबर फॉर्म इज इवन, इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या बना, इवन नंबर 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 and 54, कितने नंबर हो गए, 4 4 8 4 12 और 1 13, तो n of a is nothing but 13,
थर्ड सेकेंड इवेंट दैट इज नंबर सो फॉर्म इज डिविजिबल बाय थ्री, थ्री के टेबल में आने वाले नंबर, थ्री का टेबल। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर किसी को याद रहेगा मैं बता देता हूँ थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। If sum of the digit is divisible by 3, the whole number is divisible by 3. तो ये दो numbers को plus करेंगे, 1 plus 2, 3. 3 के table में 3 आता है, yes. तो 12 is divisible by 3, then 15 is divisible by 3, 21, 24, 3 का table आपको याद रहेगा तो ज्यादा help होगा यहाँ पे, then 31, 32, 34, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, then 42 is there, 43, 45 नहीं, 45 आएगा, sorry, 51 आएगा, then 54 आएगा, right? इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो n of b में कितने इवेंट आ रहे हैं, 5 प्लस 4 9 इवेंट। c नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, अभी उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, 50 से बड़े अपने पास कितने नंबर है, 4 ही नंबर है, सो n of c इज नथिंग बट 4 एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द 3 मेन एंड 2 वुमेन कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। नाउ Let us give the name to the men, M1, M2 and M3. What about women then? W1 and W2, only two women are there. Two persons committee you have to form. So, you have to continue with each other. So, let's take M1 with M2. Ek committee form ho gaya. Then, M1 with M3. Ek committee form ho gaya. M1 with W1. Then M1 with W2. अबे M1 का कमिटी सबके साथ फॉर्म हो गया। Now we'll move to the M2. M2, M1 फिर से लिखेंगे क्या? नहीं, it will be a same committee here. First, second फर्क नहीं पड़ता, because two persons का कमिटी we are discussing about. So M2 with M3, M2 with W1, M2 with W2. Then M3 with M1, M2 के साथ M3 का कमिटी already बन चुका है। M3 with W1, M3 with W2, then W1 with W2, बस that's it, इसके अलावा कुछ option नहीं है, क्योंकि W2 का committee सबके साथ already बन चुका है, so how many options what we got, total 10 committees we can form, now these are the maximum possibilities, out of these possibilities, let us solve our basic question, event A, there may be at least one woman, at least मतलब कम से कम एक woman चाहिए, दो भी चल सकते हैं। तो वी विल आस्क, वुमेन इज देयर, नो नो नो, यस यस इज देयर, M1 विद W1, देन M1 विद W2, वन वुमेन इज देयर, देन M2 M3, नो, M2 विद W1, देन बट ऑब्वियस M2 विद W2, देन M3 विद W1, देन M3 विद सेकंड वुमेन, एंड बट ऑब्वियस टू वुमेन आल्सो विल डू, देन N of A इज हाउ मच, 7, वन मैन वन वुमेन सेट बी। सो देखने की भी जरूरत नहीं, अगर लॉजिक अगर आप यहां पे लगा लोगे M1 M W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 and M3 W2, that's it, one man one woman, total 6 possibilities. Even see, there should not be a woman, only men in the committee, M1 M2 then M1 with M3 and M2 with M3. That's it. So N of C is 3 possibilities. Question number 6, last question of this exercise. One coin and one die is thrown. एक coin और एक die. तो एक coin का options क्या है? Head and tail. तो दोनों die के साथ में. तो H के साथ 1, H के साथ 2, H के साथ 3, H के साथ 4, H के साथ 5, थोड़ा सा इधर ब्लर होगा पर थोड़ा संभल लेना, H के साथ 6, देन T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये वाला पार्ट आपको शायद दिखे नहीं बट आपको समझ सकता है। N of S कितना हो गया फिर यार, टोटल 12। इवेंट A, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए, तो बट ऑब्वियस H, 1, H, 3, H, 5, टोटल एन ऑफ ए कितना हो गया, 3 ओनली। टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर, मतलब हेड भी लेना है इवन नंबर के साथ, टेल भी लेना है इवन नंबर के साथ, तो पहला हेड के बारे में बात करते हैं, H
टू एच फोर एंड एच सिक्स. सिमिलरली टेल टू टेल फोर एंड टेल सिक्स. सो एन ऑफ बी क्या हो गया यहां पे? अगेन सिक्स. सी इवेंट सी नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन सेवन. डाई में वी हैव ओनली सिक्स नंबर, ग्रेटर देन सेवन कोई भी नंबर नहीं है. तो ब्रैकेट तो ओपन कर दिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव. नल सेट जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको सेट्स वाला लेसन नाइन स्टैंडर्ड का याद रहेगा, उसको फाइव भी बोलते हैं. ठीक है, तो एन ऑफ सी यहां पे क्या आया? जीरो. अभी डियर 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, बट 5.4 भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ एक स्टेप और एड होने वाला है. सो वहां पे 5.4 में आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इवेंट. सो जो भी इवेंट हम लोग ने अभी तक किए वो सब तो रहेंगे, उसके बाद क्या स्टेप होगा लेट मी टेल यू दैट. एन ऑफ ए तक लिखेंगे सेम एज इट इज, फिर पी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने बोलेंगे. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो नंबर ऑफ ए कितना है? थ्री. एन ऑफ एस कितना है? ट्वेल्व. इसको डिविजिबल पॉसिबल है, तो दैट्स इट. ये वाला जो स्टेप है ये 5.4 में एक सिर्फ ऐड होगा, बाकी सबके साथ में. इसलिए 5.4 में अभी अलग से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यहीं पे तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखा दूं. अगर पी ऑफ बी फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस. तो 6/12 दैट इज 1/2. इधर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 0/12. इट विल बी 0 ओनली. So 5.3, 5.4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करो और ये प्रोबेबिलिटी लेसन यहाँ पे खत्म हो गया. थैंक यू.